Praise be to the Lord's holy name. परमेश्वर की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ and welcome you to the second segment of the series of Bible study, the Lost Chapter. हमारा प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम शुभकामनाएं देते हैं और इस दूसरे हिस्सा में आपको हम स्वागत करते हैं। The world is moving towards its lost chapter. ये संसार आखिरी अध्याय के ओर बहुत ही जल्द बढ़ रही है। Generally, the people of the world is divided into two major categories. आमतौर से संसार के लोगों को दो विभाजनों में विभाजित किया जाता है। We say men, women. हम कहते हैं पुरुष स्त्री। Rich, poor. हम कहते हैं अमीर गरीब। Educated, not educated. शिक्षित अशिक्षित। Generally, they are divided into two major categories like this. आम तौर से इस प्रकार दो वर्गों में बांटा जाता है। In the Bible, the people of the world is divided into three major categories. लेकिन बाइबल में लोगों को तीन विभाजन में विभाजित किया गया है। That we read in 1 Corinthians chapter 10 verse 32. जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 32वां पद। And one category we call them Jews or Israel. एक वर्ग को हम लोग यहूदी या इज़राइली कहते हैं। That is the chosen generation of God. और वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक पीढ़ी हैं। There are specific end time prophecies concerning God's chosen people, Israel. परमेश्वर के चुने हुए लोग इज़राइल उनके बारे में कुछ खास भविष्यवाणियां हैं। And the second group is called Gentiles. दूसरे वर्ग के लोगों को हम अन्य जाति कहते हैं। What do you mean by Gentiles? और अन्य जाति जब कहते हैं उसका मतलब क्या है? Anyone who is not an Israeli is called a Gentile. जो कोई इज़राइली नहीं है वो एक अन्य जाति है। About Gentiles or about this world, there are specific end time prophecies in the Bible. और इस अन्य जाति के बारे में या संसार के बारे में एक खास ऐसा अंतिम आखिरी भविष्यवाणी है। And the third group is called the church. और अगला जो वर्ग है उनको हम कलीसिया कहते हैं। They are not Jews. वो लोग यहूदी नहीं हैं। Neither they are Gentiles. वे अन्य जाति भी नहीं हैं। They are taken from Jews and Gentiles and made one group. वे दोनों में से लेकर के यानी कि यहूदी में से और इस अन्य जाति में से मिला करके बनाए गए। That is called the church. और उसी को कलीसिया कहते हैं। So a Christian is neither a Jew nor a Gentile. एक मसीही ना तो एक यहूदी है या एक अन्य जाति है। But they are God's chosen generation. लेकिन ये परमेश्वर के चुने हुए पीढ़ी हैं। There are very specific end time prophecies concerning Jesus' church.
इसीलिए यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में, इस चुने हुए वंश के बारे में खास भविष्यवाणी। One third of our Bible is of prophecies. हमारा बाइबल का एक हिस्सा पूरा भविष्यवाणियों का है। What is happening in this world is happening as it is foretold in the Bible. जो अभी घट रही है वो सारी चीजें बाइबल में बताई गई है। What has happened earlier has happened as it were predicted in the Bible. जो इससे पहले घट चुकी है वो सब बाइबल के अनुसार कहा गया है, so और वही हुआ है। What will happen tomorrow will also happen as it is prophesied in the Bible. और इसलिए कल जो होगा वो भी बाइबल में जो बताया गया है वही पूरा होगा। If we don't believe Bible prophecies, we don't believe one third of the Bible. अगर हम बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते हैं तो बाइबल का एक हिस्सा पर हम विश्वास नहीं करते हैं। If we don't understand Bible prophecies, we don't understand one third of the Bible. अगर हम बाइबल भविष्यवाणियों को समझते नहीं हैं, इसका मतलब हम बाइबल का एक मुख्य हिस्सा को समझते नहीं हैं। If we keep Bible prophecies away, we are keeping one third of the Bible away. अगर हम बाइबल के भविष्यवाणियों को किनारे रखते हैं, इसका मतलब हम बाइबल के एक हिस्सा को किनारे रख देते हैं। Yesterday prophecies have become history. कल का जो भविष्यवाणियां हैं आज वो इतिहास बन गई है। Yesterday prophecies are today's news. कल का जो भविष्यवाणियां आज का खबर बनती है। Prophecies make history. और ये भविष्यवाणियां इतिहास बनाती हैं। इन अवर स्कूल, इन अवर कॉलेज, इन अवर हिस्ट्री क्लास वी स्टडी व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में और हमारे बाइबल के जो पाठशाला है वहीं पर भी इसका अध्ययन करते हैं। पर इन द बाइबल, लेकिन बाइबल में प्रोफेसी इज हिस्ट्री। और बाइबल में देखते हैं भविष्यवाणी वो इतिहास है। What happened, what's happening, what will happen? जो हुआ, जो हो रही है और जो होने वाला है। History is nothing but his story. और ये इतिहास और कुछ नहीं है, उसका कहानी है, उसका इतिहास है। He is the beginning, he is the move, he is the end of history. और वही आदि है, वही मध्य है और वही अंत है। Jesus is Alpha, Jesus is Omega. यीशु ही अल्फा है, यीशु ही ओमेगा है। Jesus is A, Jesus is Z. यीशु ही A भी है, यीशु ही Z भी है। He is the beginning, he is the end. वही आदि है, वही अंत भी है। So in this series we are going to study the end time prophecies concerning the world, concerning Israel, concerning the church. और इसीलिए हम लोग इसी क्रम में संसार के बारे में, इज़राइल के बारे में और कलीसिया के बारे में देखने जा रहे हैं। Our first study, the lost chapter of the world. और हमारा पहला अध्ययन ये है इस संसार के आखिरी अध्याय। In that topic, the lost chapter of the world. और उस विषय में, यानी कि इस संसार का आखिरी अध्याय, we are getting into the second segment. हम लोग उस विषय का दूसरा हिस्सा में अभी प्रवेश कर रहे हैं। Now all of a sudden everywhere there is an awareness about the end of the world. अचानक से सबके मन में इस संसार के अंत के बारे में विचारें उठ रही हैं। Even because of Mayan calendar, they even fixed the date as December 21, 2012. और यहाँ तक कि वो मायन जो कैलेंडर है उसके निमित्त लोगों ने एक ऐसा तारीख को तय किया है, 31 दिसंबर 2012। इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस फर्स्ट टॉपिक, और जो पहला अध्याय या पहला ये जो अध्ययन है उसका जो आखिरी भाग में, द लास्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का अंतिम अध्याय, वी वर एबल टू सी अ फ्यू थिंग्स लाइक The planet Nibiru is on the way of the Earth's passage. और हम लोगों ने इस बात को देखा कि संसार की ओर क्या ऐसा चीज आ रही है टकराने के लिए। We studied about a black hole collision. और हम लोगों ने वो टकराने वाली उस चीज के बारे में देखा। So how some Hindu scholars say that we are moving from Kaliyug to Satyug in this year. और हम लोगों ने इस बात को भी देखा कि हिंदू धर्म वाले वो क्या कहते हैं कि कलयुग से सत्ययुग में कैसे लोग प्रवेश करने वाले हैं 2013 से। And global warming is threatening. और ये भी एक धमकी मिलती है
कि संसार का गर्माहट ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर और संसार उस तीसरा महायुद्ध के लिए तैयार हो रही है नाउ एवरीवेयर पीपल वांट अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हर जगह लोग चाहते हैं कि नया प्रकार का सरकार हो Democracy has totally failed. जननायक बिल्कुल चूक गया है. So just we wanted to see what the Bible says. इसीलिए हम चाहते हैं और चाहते थे कि Bible इसके बारे में क्या कहती है जानने के लिए. So we just saw what John, one of the apostles of Jesus said. और हम लोगों ने देखा यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यगण क्या कहे इसके बारे में व्हाट डैनियल अनदर ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी वाज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर डैनियल नबी और पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता लोग इसके बारे में क्या बोले वी स्टार्टेड फ्रॉम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में उस 17वां अध्याय में से कई एक बातों को हम लोगों ने सीखा इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 प्रकाशित वाक्य के 17वां अध्याय में व्हेन वी रीड फ्रॉम वर्स 10 टू 14 जब हम लोग 10 से 14वां पद तक देखते हैं वी सी द वर्ल्ड हिस्ट्री इन डिटेल हम लोग वहां पे संसार के इतिहास को बिल्कुल लंबी रूप में देखते हैं द पास्ट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर और जो भूतकाल है वर्तमान है और भविष्यकाल है उसको हम लोग देखते हैं व्हेन वी रीड इन चैप्टर 17 वर्स 10 जब हम लोग 17वां अध्याय के 10वां पद में देखते हैं देयर वी रीड अबाउट 7 किंगडम्स वहां पे 7 ऐसे साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं एंड इट इज सेड 5 किंगडम्स आर ऑलरेडी फॉलन बिफोर द डेज ऑफ जॉन कहा गया है कि यूहन्ना से पहले ही 5 ऐसा साम्राज्य समाप्त हो चुका है एंड द सिक्स्थ किंगडम वाज देयर वहां पे 6वां साम्राज्य था एंड द सेवंथ किंगडम इज नॉट येट कम इन द डेज ऑफ जॉन और 7वां जो साम्राज्य है यूहन्ना के दिनों से आरंभ हुआ आई टोल्ड यू दैट सेवंथ किंगडम इज ऑलरेडी कम मैंने आपसे कहा था 7वां साम्राज्य आ चुका है पहुंच चुका है इट्स ऑलरेडी कम इन आवर डेज आई विल शो दैट यू लेटर और हमारे दिनों में वो आ चुका है मैं इसको बाद में आपको विस्तारित रूप से बता पाऊंगा एंड आउट ऑफ दैट सेवंथ किंगडम और उस 7वां साम्राज्य में से ए रूलर विल कम एक ऐसा शासक आएगा इन वर्स 11 ही इज आइडेंटिफाइड एज द बीस्ट 11वां वचन में उसी के बारे में पशु करके कहा गया है एंड वी कॉल हिम एंटीक्राइस्ट उसी को मसीह विरोधी करके and कहा गया है he will be the eighth kingdom और वही उस 8वां साम्राज्य का स्थापक के रूप में भी दिखाई देता है सो विद द किंग्स ऑफ द सेवंथ किंगडम जरूर हम लोगों ने राजाओं को देखा जो 7 साम्राज्यों के थे दिस एंटीक्राइस्ट दिस ग्लोबल लीडर विल हैव अ न्यू फॉर्म ऑफ एथ किंगडम लेकिन ये 8वां जो मसीह विरोधी राजा जो विश्व भर का शासक बनेगा वो उस प्रकार का राज्य संभालेगा दिस एथ किंगडम विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम और ये 8वां साम्राज्य कुछ समय तक चलेगा एट द एंड ऑफ द एथ किंगडम 8वां साम्राज्य के समाप्ति में इन द डेज ऑफ दीस किंग्स इन राजाओं के दिनों में इन वर्स 14 वी अंडरस्टैंड 14वां वचन के अनुसार हम समझते हैं जीसस वुड कम बैक एंड एस्टैब्लिश हिज किंगडम यीशु मसीह वापस आएंगे और अपना साम्राज्य स्थापन करेंगे व्हेन वी रीड द बाइबल जब हम बाइबल पढ़ते हैं रादर व्हेन वी स्टडी द बाइबल या हम कहेंगे कि बाइबल का अध्ययन करते हैं वी आर एबल टू सी ऑल दीस किंगडम्स वेरी क्लियरली हम इन सारे साम्राज्यों के बारे में सही ढंग से समझ पाते हैं इन द फर्स्ट सेगमेंट और पहला हिस्सा में वेरी क्लियरली वी स्टडीड अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ 4 किंगडम्स हम लोगों ने वहां पे 4 साम्राज्यों का जो कैसा खड़ा हुआ और कैसे गिरा उसके बारे में हम लोगों ने देखा द फर्स्ट किंगडम वाज द इजिप्शियन एम्पायर और पहला साम्राज्य मिस्र साम्राज्य था इट फेल इन द डेज ऑफ किंग हिजकिया और हिजकिया राजा के दिनों में वो साम्राज्य था इन द डेज ऑफ प्रॉफिट आइज़ाया या कहेंगे कि यशाया नबी के उसके समय में वो और इन द डेज ऑफ किंग सन्हेरिब ऑफ अज़ेरिया या हम लोग कहेंगे
अशूर के राजा के दिनों में एक साम्राज्य एंड द सेकंड एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड और दूसरा साम्राज्य उस समय खड़ा हुआ द सेकंड एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड और दूसरा साम्राज्य उस समय स्थापन हुआ एज इट वाज प्रोफेसाइड जैसा भविष्यवाणियां हुई इन द डेज ऑफ जेरेमिया और इर्मिया के दिनों में और इन द डेज ऑफ नबुकदनेज़र या नबुकदनेज़र के दिनों में द असीरियन किंगडम फेल अशूर का साम्राज्य गिर पड़ा एंड द थर्ड किंगडम द बेबीलोनियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड तीसरा वहां साम्राज्य खड़ा हुआ जो बाबुल का साम्राज्य है As it was prophesied by Jeremiah, जैसा कि इर्मिया के द्वारा यहाँ पे कहा गया है As it was prophesied by Isaiah, और जैसे यशाया के द्वारा भविष्यवाणी की गई Exactly on that date, उन्हीं दिनों में तारीखों में As it was prophesied, जैसा भविष्यवाणी हुई The end of Babylonian Empire came, बाबुल का अंत हुआ And the Medo-Persian Empire was established. और वहाँ मेदी और फारसी का वो साम्राज्य स्थापन हुआ. It was in the days of Daniel. और वो दानियल के दिनों में था. It was in the days of Belshazzar. और ये बेलशाजर के समय में था. It was in the days of Cyrus. और ये कुसरू के समय में था. In Daniel's prophecies. और दानियल के भविष्यवाणियों में नबुकदनेज़र had a dream of an image नबुकदनेज़र को एक ऐसा सपना मिला the head of that image was the Babylonian empire और वहां उस मूर्ति का जो सिर था वो सोना का था the silver breast was the Medo-Persian empire और उसका जो सीना था वो चांदी का था Daniel prophesied and said, "This empire will also not continue. Another empire will come." Daniel ने उसके बारे में भविष्यवाणी की कि ये साम्राज्य भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये भी समाप्त हो जाएगी, अगला एक साम्राज्य आएगा. And also we read prophecies in a very minute detail of the fall of the Medo-Persian Empire and the rise of the fourth empire. और हम लोग इस भविष्यवाणी को बिल्कुल साफ तरीके से पढ़ते हैं और इन सारे साम्राज्यों का समाप्ति के बाद मेदी फारसी का साम्राज्य होगा करके हम पढ़ते हैं माय डियर ब्रदर माय डियर सिस्टर मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन अकॉर्डिंग टू द विजन और ड्रीम ऑफ नबुकदनेज़र नबुकदनेज़र का जो सपना या दर्शन के अनुसार द हेड वॉज द बेबीलोनियन एम्पायर वो सिर जो था वो बाबुल का साम्राज्य था सिल्वर ब्रेस्ट वॉज द मेडो पर्शियन एम्पायर और वो चांदी का जो सीना था वो मेदी फारसी का साम्राज्य था देयर विल बी अ थर्ड एम्पायर लाइक द ब्रॉन्ज अब्डोमेन एक साम्राज्य होगा जो पीतल का होगा देयर विल बी अनदर एम्पायर फोर्थ एम्पायर लाइक अन टू द आयरन लेग्स और उसके बाद का जो साम्राज्य है वो लोहा जैसा एक साम्राज्य होगा एंड व्हेन द फोर्थ एम्पायर दैट आयरन एम्पायर टेक्स द फॉर्म ऑफ आयरन एंड क्ले गॉड विल एस्टैब्लिश हिज किंगडम ऑन द अर्थ और जैसा ही वो साम्राज्य जो लोहा और मिट्टी का मिला हुआ साम्राज्य होगा परमेश्वर अपना साम्राज्य को स्थापन करने वाला है प्रोबेबली आफ्टर 65 ईयर्स शायद 65 साल के बाद आफ्टर 65 ईयर्स 65 साल के बाद डैनियल हैड अनदर ड्रीम दानियल के पास और एक सपना मिला दैट वाज आल्सो इन द डेज ऑफ द बेबीलोनियन एम्पायर वो भी बाबुल का साम्राज्य का समय में ही हुआ इन द डेज ऑफ किंग बेलशाजर वो बेलशाजर नामक उस राजा के दिनों में था बिफोर मेडो पर्शियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड और ये मेदी फारसी का साम्राज्य का स्थापन होने से We read about that dream in Daniel chapter 8. उसके बारे में हम दानियल के पुस्तक आठवां अध्याय में पढ़ते हैं In Daniel chapter 8 और दानियल के आठवां अध्याय में When you read from verse 1 जब हम लोग पहला वचन से लेकर पढ़ते हैं Daniel who was in Babylon दानियल जो बाबुल देश में था In that dream he was in Persia और उस सपना में वो दरअसल फारसी में था जैसा लिखा हुआ है Elam is another name for Persia और यहाँ पे दूसरा नाम है फारसी Elam. का और एनम जो है वो दूसरा नाम है In the dream, Daniel who was in Babylon, he saw that he was in Persia,
by the palace Shushan. उस सपना में जरूर दानियल ने ऐसा महसूस किया या खुद को देख पाया कि वो सुसन महल में है, हालांकि वो बाबुल में था. And Susan is a palace in Persia. और ये सुसन जो है वो उस एलाम नामक प्रांत में, जो फारसी प्रांत था, उसमें है. You might have read about that in the book of Esther. हो सकता है आप इसको एस्तर के पुस्तक में पढ़े होंगे. And by the river called Ulai. और वहां पे जो नदी है उलाय, he was able to see a ram. वो इस चीज को वो देख सका. And that ram had two horns. और वो मेढ़ा जो है उसके पास दो सींग थे. One was short, the other one was long. एक छोटा था और एक बड़ा था. And that long one came later. वो लंबा वाला बाद में आया. एंड दिस रैम वॉज पुशिंग इट साइड थ्री साइड्स. और ये मेढ़ा जो है वो तीन दिशाओं में धकेल रही थी. टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द ईस्ट. और वो उत्तर और दक्षिण और पूरब वो धकेल रही थी. नोबडी वॉज एबल टू स्टैंड बिफोर दिस रैम. और इस मेढ़ा के सामने कोई भी खड़ा ना हो सका. And when Daniel was watching this ram, और दानियल इस को देख रहा था इस मेढ़ा को, from the west, और पश्चिम में से, he goat was coming, और वहां पे एक मेढ़े आया. It was coming with a great collar, with a great wrath, और वो देखा उस जंतु को. It was very ferocious. और वो बहुत ही क्रोधमय था. It came up to the place where this ram was. और जहां पे ये मेढ़ा था वहां तक ये जंतु आया. It fought against the ram. और उस मेढ़ा के विरोध में वो लड़ने लगा. And it totally destroyed the ram. और उस मेढ़ा को वो पूरी तौर से नाश कर दिया. After this ram was destroyed. और ये मेढ़ा का नाश होने के बाद, that horn of that he goat, और उस जंतु का जो सींग है, it waxed very great, और वो बहुत लंबा या बड़ा हो गया. That strange horn that was in between the eyes of the he goat, that waxed very great, और उस जंतु का जो सींग है वो बहुत ही बड़ा हो गया. And suddenly that horn broke. अचानक से वो सींग टूट पड़ा. And in that place, और उस जगह में four horns came. चार ऐसा सींग उगने लगे. As Daniel was watching that in that dream, जैसा ही दानियल उस सपना को देख रहा था, out of one of those four horns, उन चार सींगों में से एक सींग से a little horn came. एक छोटा सा सींग बढ़ने लगा. Now you may have a question. आपके पास सवाल हो सकता है. How can we understand all these things? इन सारी चीजों को कैसे हम समझ पाएंगे? A ram, एक मेढ़ा. Two horns, दो सींग. A he goat, एक ऐसा जंतु. One strange horn, एक अजीब सा सींग. Horn broken, और वो सींग टूट गया. Four horns came, फिर उसमें चार सींग. A little horn came, फिर एक छोटा सा सींग. How will we understand all these things? इन सारी चीजों को कैसे हम समझ पाएंगे? Everything is given in the Bible. ये सारी चीजें बाइबल में दी गई है. Prophecies are given for our own edification. बाइबल में भविष्यवाणियां हमारा ही शिक्षा के लिए दिया गया है. एवरीथिंग इज रिवील्ड देयर. बाइबल में सारी बातें प्रकट है. इन वर्स 20, 20वां पद में, वी रीड दैट रैम वाज द मेड ऑफ पर्शियन एम्पायर. हम लोग पढ़ते हैं कि वो मेढ़ा जो था वो मेदी फारसी का साम्राज्य है. इट हैज गॉट टू हॉर्न्स, और उसके पास वहां पे दो सींग है. मेडो पर्शिया, देखते हैं मादियों का और फारसियों का राज्य. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बहुत ही दिलचस्पी है जानने के लिए. साइरस वाज अ पर्शियन किंग. कुसरू एक फारसी राजा था. एंड हिज फादर वाज कैम्बिसेस, और उसका पिताजी का नाम था कैम्बिसियस. एंड दिस साइरस मैरिड द डॉटर ऑफ मेडो किंग. ये कुसरू ने एक मादी या ऐसा जो मेदी कहते हैं उस राजा का बेटी से शादी किया. एंड द नेम ऑफ हिज फादर इन लॉ वाज डारियस द मेडेस, और उसका ससुर का नाम था मेदियन. आइए थरियो
और मेगियन दारेस उसका नाम था। About him only we read in the book of Daniel. और उसी के बारे में हम लोग दानियल के पुस्तक में पढ़ते हैं। So it so happened on the same year, his father Cambyses, his father-in-law Darius, both of them died. और उसी साल में ऐसा हुआ कि उसका पिताजी कैम्बिसियस और उसका जो ससुर जी जो दरियू था वो भी मर गया, दोनों मर गए। साइरस बिकेम द किंग ऑफ मेडो पर्शियन एम्पायर व्हिच स्पीक अबाउट दोस टू हॉर्न्स। इसके खातिर वहां पे कुसरू ये दोनों राज्यों का राजा बन गया, यानी कि मादियों का और फारसियों का राजा बन गया। पर्शियन एम्पायर केम आफ्टर द मेडो एम्पायर बट पर्शियन एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर देन मेडो Persia, मादियों का साम्राज्य के बाद ही फारसी साम्राज्य आया, लेकिन ये फारसी साम्राज्य उससे भी बड़ा हुआ और विस्तृत हुआ। That is why the second horn that came later than the first one became longer than the first one. इसलिए उस छोटा सिंह जो पहला था उसके बाद एक और एक सिंह हुआ जो उससे भी बड़ा या लंबा होने लगा। Likewise, वैसा ही What about the he-goat? ये दूसरा जंतु के बारे में क्या है? एंड द बाइबल सेज इन वर्स 20, बाइबल बतलाती है 20वां पद में, दैट्स अ ग्रीशियन एम्पायर। हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि एक दूसरा साम्राज्य। एंड स्ट्रेंज हॉर्न इन बिटवीन द आईज, वहां पे आंखों के बीच में जो बड़ा सींग निकला, दैट इज द फर्स्ट किंग ऑफ द ग्रीशियन एम्पायर। वहां पे यूनान का जो राज्य था वो। इट्स एवरीथिंग सेड इन द बाइबल क्लियरली, सारी बातें बाइबल में बतलाई गई है। इन हिस्ट्री, इसलिए इतिहास में, हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ द ग्रीशियन एम्पायर, कौन था वो यूनान का पहला राजा? यू विल सरप्राइज टू नो अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपको आश्चर्य लग सकता है कि सिकंदर वो द वेरी नेम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उस सिकंदर जो महान था उसका नाम जो है आयगस सक्सेना अलेक्जेंडर, आयगस सक्सेना अलेक्जेंडर, और आयगस सक्सेना अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। आयगस सक्सेना अलेक्जेंडर मीन्स, और इस व्यक्ति का नाम का मतलब है अलेक्जेंडर द गोट, सिकंदर वो जो जंतु है, अलेक्जेंडर द गोट, और सिकंदर वो जो जंतु है। इवन 200 years before अलेक्जेंडर was born, 200 साल पहले कि सिकंदर पैदा हुआ उससे पहले भी God has revealed that name to his prophet Daniel. परमेश्वर ने उस नाम को अपना भविष्यद्वक्ता दानियल को प्रकट किया था। अलेक्जेंडर्स फादर, सिकंदर का जो पिताजी है फिलिप द सेकंड ऑफ मैसिडोनिया, और उसका नाम फिलिपुस, दूसरा फिलिपुस जो मकदिनिया का है, ही वॉज अ वेरी बिग शेपर्ड लॉर्ड, और वो एक बहुत बड़ा चरवाहा जैसा था। सो अलेक्जेंडर, ही नेम्ड हिज सन अलेक्जेंडर द गोट, और इसीलिए अपना बेटा का नाम वो सिकंदर और बकरी या जंतु करके नाम दिया। एंड इट विल बी वेरी सरप्राइज टू नोट द वेरी बैनर द स्टैंडर्ड ऑफ अलेक्जेंडर वॉज गोट। दरअसल हम लोग अगर उनका जो मोहर है उस सिकंदर का उसको देखेंगे, उसमें भी बकरी या बकरा को, उस जंतु को हम देख सकते हैं। व्हेन अलेक्जेंडर वॉज कमिंग अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, जब सिकंदर उस फारसी साम्राज्य के विरोध में आ रहा था, his banner, his standard was flying high, और उसका जो झंडा है वो लहरा रही थी, there we see the goat, और उस झंडा में हम देख सकते हैं वहां बकरा है। Daniel saw that vision in 539 BC. दानियल इस दर्शन को देखता है 539 बीसी में। इन 333 BC में, इन हिस्ट्री, इतिहास में, अलेक्जेंडर वॉज कमिंग अगेंस्ट द मेडो पर्शियन एम्पायर इन द डेज ऑफ किंग डारियस कोडमेनेस। सिकंदर ने उस दरियू राजा के दिनों में इस साम्राज्य के विरोध में, यानी कि फारसी साम्राज्य के विरोध में आ रहा था। 200 years before that historical instant, God revealed that to Daniel.
इस ऐतिहासिक घटना के 200 साल पहले यह घटना बताया गया है भविष्यवाणी के रूप में. इट इज स्टिल मोर सरप्राइजिंग टू नोट, और ये भी आपको आश्चर्य लग सकता है, द लास्ट बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड डारियस, सिकंदर और दरियू के बीच में जो आखिरी लड़ाई या युद्ध जो था, इट took at one of the tributaries of river Tigris, और वहां पे जो नदी पाई जाती है उस नदी के पास में ये जंग हुआ था. The last battle was by the side of the river Ulai as it was prophesied 200 years back. 200 साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया उसी नदी उलाई के पास ये जंग या संग्राम हुई थी. Now the Grecian Empire was established. अब ये यूनान का साम्राज्य स्थापन हुआ. So Egyptian Empire, मिस्र साम्राज्य. Number 2 Assyrian Empire. उसके बाद हम लोग देखते हैं. नंबर 3 बेबीलोनियन एम्पायर, बाबुल का साम्राज्य भी उसके बाद आया. नंबर 4 मेडो पर्शियन एम्पायर, उसके बाद मादियों का और फारसियों का जो साम्राज्य था. नंबर 5 पांचवा, इन द डेज ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर के दिनों में, इट वॉज अ ग्रीशियन एम्पायर, वो यूनान साम्राज्य था. But as it was prophesied, लेकिन जैसा ही भविष्यवाणियां हुई थी, that horn suddenly broke, वो सींग टूट पड़ा अचानक से. In 11 years time, 11 सालों के दौरान, suddenly Alexander died of fever, अचानक से वो सिकंदर एक बीमारी के चलते मर गया. When Alexander died, उसका मृत्यु के बाद, सिकंदर के मृत्यु के बाद, his kingdom was divided between four of his generals. उसका जो साम्राज्य है वो चार भागों में बांटा गया उसके शासकों के द्वारा. Alexander died in 322 June 13. और जून महीना 22 तारीख और BC 322 में सिकंदर चल बसा. But 200 years before that, लेकिन उससे 200 साल पहले, in 539, यानी कि 539 BC में, God has shown that to his prophet. परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को ये चीज दिखा दिया था पहले. Praise be to the Lord's holy name. परमेश्वर की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे. Out of one of those horns, उन सिंगों में से एक सिंग, it is a prophecy, a little horn came. एक छोटा सिंग बढ़ने लगा करके भविष्यवाणी है. About that little horn we see later, और उस छोटा सिंग के बारे में हम बाद में देखते हैं. And these four kingdoms of Alexander, Alexander's empire, और सिकंदर का साम्राज्य में से जो चार भाग और स्थापन जो हुए, they were fighting among themselves, वो आपस में लड़ने लगे. And it became two kingdoms, north and south, और उसके बाद वो उत्तर और दक्षिण करके साम्राज्यों में बांटा गया. And about all those wars we read in Daniel chapter 11. उन सारे युद्धों के बारे में हम दानियल के 11वां अध्याय में पढ़ते हैं. Even you'll surprise to know, in Daniel chapter 11 we read about Cleopatra. और क्लियोपेट्रा के बारे में भी अगर हम लोग गौर करेंगे 11वां अध्याय दानियल में हम पाते हैं, हम चकित भी हो सकते हैं. What is said about Cleopatra in the prophecy is exactly what happened in history. भविष्यवाणी में क्लियोपेट्रा के बारे में जो कहा गया वही चीज क्लियोपेट्रा के साथ इतिहास में पूरा हुआ. Slowly that kingdom was deteriorating. धीरे धीरे से वो साम्राज्य का वहां पे विनाश हो रही थी. Slowly that kingdom was deteriorating. वहां पे वो साम्राज्य धीरे धीरे से खत्म हो रही थी. It was now just before 60 before Christ, BC 60. और अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 60 साल पहले BC 60 में. In the west another empire was rising. और एक साम्राज्य पश्चिम में उठ रही थी. सो द फर्स्ट एम्पायर इजिप्शियन एम्पायर, इसलिए हम देखते हैं कि पहला साम्राज्य मिस्र था, एम्पायर,
दूसरा तो अशूर का साम्राज्य था. थर्ड वन बेबीलोनियन एम्पायर. तीसरा बाबुल का साम्राज्य था. द फोर्थ वन मेडो पर्शियन एम्पायर. चौथा मादियों का फारसी का साम्राज्य था. एंड द फिफ्थ वन ग्रीशियन एम्पायर. पांचवा यूनान का साम्राज्य था. इन द बुक ऑफ डैनियल. दानियल के पुस्तक में बेबीलोनियन एम्पायर इज द गोल्डन हेड. बाबुल का जो साम्राज्य वो सिर जैसा है. एंड मेडो पर्शियन एम्पायर इज द सिल्वर ब्रेस्ट. मादियों का जो साम्राज्य वो चांदी का सीना जैसा है. एंड द ग्रीशियन एम्पायर इज द ब्रॉस अब्डोमेन. और यूनान का जो साम्राज्य है वो उस पीतल साम्राज्य जैसा है. इन 60 BC 60वां BC में एज इट वॉज प्रोफेसाइड जैसा भविष्यवाणी किया गया. इन डैनियल चैप्टर 11 verse 30 दानियल 11वां अध्याय का उस 30वां पद में फ्रॉम द पोर्ट कॉल चितीम. और चितीम का जो वहां पे जहाजों का जो पड़ाव है वहां से वन आर्मी वॉज कमिंग अगेंस्ट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द ग्रीशियन एम्पायर. एक ऐसा सेना वहां से आ रही थी. इट इज सेज फॉर द शिप्स ऑफ चितीम शैल कम अगेंस्ट हिम. वहां पे लिखा हुआ है जहाज शितीम से. डैनियल 11:30 आप देख सकते हैं दानियल उसका 11वां अध्याय और 30वां पद में कित्तियों के जहाज उसके विरोध आएंगे करके लिखा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ दैट वाज फुलफिल्ड एग्जैक्टली इन हिस्ट्री. हम देख सकते हैं कि ये इतिहास में कैसा पक्का पूरा हुआ. इट वॉज अ प्रोफेसी इन द डेज ऑफ डैनियल. ये तो दानियल के दिनों का भविष्यवाणी है. इट बिकेम अ न्यूज इन 60 BC ये एक खबर बन गया था 60वां BC में. देयर वॉज अ जनरल बाय नेम पोम्पी इन रोम. वहां पे हम देखते हैं एक शासक का नाम था पोम्पे. Now Rome is becoming powerful. और यहाँ रोम साम्राज्य का वो शासक है और उसका नाम अभी प्रचलित हो रही है रोम साम्राज्य का नाम. As it was prophesied 500 years before by Daniel. जैसा 500 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी दानियल के द्वारा. From the same port of Kittim. और वहाँ पे कित्तियों के उस पड़ाव से. Pompey was going against Egypt. The lost part of the Grecian Empire. वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोम्पे वहाँ पे कैसे खड़ा हो जाता है और रोम साम्राज्य कैसा वहाँ पे उठती है. Pompey was succeeded by Julius Caesar. उसके बाद जूलियस सीजर आए. And Julius Caesar was able to subdue Egypt. और यहाँ देखते हैं कि जूलियस कैसर जो है वो किस प्रकार मिस्र देश पर अपना कब्जा कर पाया. एंड दिस जूलियस सीजर ब्रिंग्स क्लियोपेट्रा टू रोम. और वही क्लियोपेट्रा द सेवेंथ. और वही कैसर जो है वो क्लियोपेट्रा जो 7वां क्लियोपेट्रा है उसको वापस ले आता है. दिस जूलियस सीजर वॉज किल्ड बाई हिज ओन पार्टीमैन ऑन द स्टेप्स ऑफ हिज पार्लियामेंट. और उसी के संविधान या वहां पे जो उसका महल था वहीं पे उसको घात किया गया इस जूलियस कैसर को. इट वॉज इन ये BC 30 और ये BC 30 में हुआ. एंड व्हेन जूलियस सीजर डाइड और जब जूलियस सीजर का मृत्यु हुई हिज अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस सीजर बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ द रोमन एम्पायर. उसका लेपालक पुत्र अगस्तर कैसर जो है वो फिर वहां का शासक बना. दिस ऑक्टेवियस सीजर लेटर चेंज हिज नेम एज अगस्टस सीजर. इसने अपना नाम अगस्तर कैसर करके जो उसका पहला नाम था उससे बदल के रख लिया. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग ऑसम टुक प्लेस एट दैट टाइम. उस समय में एक भयावह बात हुई थी अगस्तस कैसर के दिनों में. इन द डेज ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ द रोमन एम्पायर अगस्तस सीजर पहला जो शासक रोम साम्राज्य का है उसके दिनों में द किंग ऑफ किंग्स और राजाओं का राजा द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और प्रभुओं का प्रभु आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन द अर्थ हिस्टोरिकली. हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ.
The sixth empire, the Roman empire was established. वहाँ पे छठवां साम्राज्य रोम का साम्राज्य स्थापन हुआ. God was incarnated the days of the Roman empire. परमेश्वर वहां पे मानव बन करके आया उन उसी साम्राज्य के बीच में. Augustus Caesar was succeeded by Tiberius Caesar. कैसर के बाद तिबेरियस कैसर आया था. In the days of Tiberius Caesar, Jesus Christ was crucified. तिबेरियस कैसर के दिनों में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया. He died and was buried. और वो मरा और वो गाड़ा गया. Rose again on the third day. वो तीसरा दिन जी उठा. Ascended into heaven. वो स्वर्ग में उसका स्वर्ग रोहन हुआ. Holy Spirit was sent forth. पवित्र आत्मा भेजा गया. The church was born. कलीसिया का जन्म हुआ. The church was born. कलीसिया का पैदाइश हुआ. In the days of Nero. नीरो के दिनों में Peter and Paul were killed. पत्रस और पौलुस को वो लोग मरवाए. Then came Vespasian. उसके बाद Vespasian आया. In the days of Vespasian, और Vespasian के दिनों में Jerusalem was destroyed. यरूशलेम का नाश किया गया. And we started with his son Domitian. और उसी का बेटा को हम लोगों ने देखा Domitian. I like to remind you how we started the first segment. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहला हिस्सा को कैसे आरंभ किए. Only in the days of this Domitian. इस Domitian के समय में ही a great persecution was let loose against the church. और कलीसिया के विरोध में एक बड़ा सताव होने लगा. In the days of that king Domitian. Domitian के दिनों में ही John was sent to the island Patmos. यूहन्ना को उस टापू में जिसका नाम पतमोस है वहां भेजा गया. Daniel John had the revelation. वहां पे यूहन्ना को एक प्रकटीकरण मिलती है. My dear brother, my dear sister. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन. Now this is the sixth kingdom John was. यही वो छठवां साम्राज्य था जिसमें यूहन्ना था. That's why we read in John. That's why we read in Revelation chapter 17. इसलिए हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य के. It was revealed to John. उस यूहन्ना को ये चीज प्रकट किया गया. There were seven kingdoms. कि सात ऐसा साम्राज्य. Five had already fallen. ये सब गिर चुका है. Egypt, मिस्र, Assyria, अशूर, बेबीलोन, बाबुल, मेरा पर्शिया, मादियों और फारसियों का साम्राज्य, ग्रीस, यूनान. फाइव ऑलरेडी फॉलन. पांच साम्राज्य गिर चुका है. द सिक्स्थ किंगडम वाज देयर. छठवां साम्राज्य वहां था. दैट वाज द रोमन एम्पायर. और वो था रोमियों का साम्राज्य. इन द डेज ऑफ जॉन. और यूहन्ना के दिनों में द सिक्स्थ किंगडम वाज द रोमन एम्पायर. छठवां वहां साम्राज्य रोम का साम्राज्य था. देयर इट वाज सेड. वहां पे कहा गया था द सेवंथ किंगडम इज नॉट एट कम. सातवां साम्राज्य अब आया नहीं है. बट वी वांट टू सी दैट द सेवंथ किंगडम इज कम. लेकिन हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सातवां साम्राज्य आ गया है. माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन. रोमन एम्पायर वाज स्लोली डिटोरिएटिंग. धीरे धीरे से रोम साम्राज्य भी खत्म होने लगा. एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू टू रोम्स इन द डेज ऑफ कॉन्स्टेंटाइन. और कॉन्स्टेंटाइन के दिनों में उसको दो भागों में बांटा गया. वेस्ट रोम एंड ईस्ट रोम. वहां पे पश्चिम रोम और पूरब रोम करके कहा गया. वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप. और यूरोपा भी पश्चिम यूरोपा और पूरबी यूरोपा. एंड द कंट्रीज इन द रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 24 कंट्रीज. और वहां पे वो रोम साम्राज्य 24 देशों के रूप में बांटा गया. दैट किंगडम वाज नॉट टोटली डिस्ट्रॉयड. साम्राज्य पूरी तौर से नाश नहीं हुआ. दैट आयरन एम्पायर वाज स्लोली डिटोरिएटिंग. लेकिन वो लोहा सा जो साम्राज्य धीरे धीरे से
वो खत्म हो रही थी। As the legs from thigh to ankle is becoming thinner and thinner, और जैसे वहां पे वो पैर का लोहा रूपी जो साम्राज्य था वो पतला होता गया। It was becoming weaker and weaker, वो और कमजोर होता गया। Historically, ऐतिहासिक रूप में, in these days, उन दिनों में अमेरिका वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। देखते हैं कि अमेरिका जो देश है वो मजबूत होने लगा। रशिया वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, रूस देश जो है वो सामर्थी होने लगा। ऑन द ईस्ट और पूरब में, ऑन द ईस्ट पूरब में जापान चाइना चीन इंडिया और भारतवर्ष कोरिया थाईलैंड ऑल दिस कंट्रीज आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। ये सारा देश मजबूत होने लगा। दे ऑल आर बिकमिंग वर्ल्ड पावर ब्लॉक्स, वो सब सामर्थ्य का क्षेत्र बनने लगा। यूरोप दैट वाज रूलिंग द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग वीकर एंड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। और यूरोप जो है वो जो शासन कर रही थी सारे जगहों के ऊपर वो धीरे धीरे अपना बल खो रही थी। ऑन वन साइड इन द वेस्ट अमेरिका इज बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर, एक तरफ तो अमेरिका विश्व भर का ताकत बन रही है। इन द नॉर्थ रशिया सोवियत यूनियन इज बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर, उत्तर में रूस देश एक ताकतवर जगह देश बन रही है। सो यूरोप इज आइदर इट इज अ फ्रेंड, इट हैज टू डिपेंड ऑन रशिया और अमेरिका। और यूरोप का यही दशा है, चाहे वो अमेरिका के ऊपर या रूस के ऊपर निर्भर होना पड़ा। ऑन द ईस्ट इस तरफ पूरब में द ईस्टर्न कंट्रीज आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, पूर्वी देश जो है बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। सो द यूरोप थॉट, अब ऐसा सोच है यूरोप थॉट, और इसीलिए यूरोप ऐसा सोचने लगा। डिवाइडेड वी फॉल, और हम लोग तो विभाजित होते हुए गिर जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, इसीलिए अगर एकत्रित हो जाएंगे divided, हम खड़े हो सकते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, क्योंकि विभाजित रूप में हम गिर जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, और अगर एकत्रित हो जाएंगे so, हम खड़े हो सकते हैं। इन द ईयर 1950, इसीलिए 1950वां साल में सिक्स कंट्रीज ऑफ यूरोप, छह ऐसा देश जो यूरोप के हैं, दे असेंबल्ड एट रोम, वो रोम नगरी में एकत्रित हुए। दे साइंड अ ट्रीटी, एक ऐसा वाचा वो लोग बांधे। एंड विद दैट ट्रीटी, उस वाचा रोमन ट्रीटी, उस वाचा के द्वारा जो रोम में हुई, एफर्ट्स वर मेड टू मेक अगेन ए रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, फिर से एक बार एक ऐसा रोम का साम्राज्य को खड़ा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। द कंट्रीज वर जॉइनिंग एज अ मार्केट कम्युनिटी, और ये देश ऐसा इकट्ठी हो रही थी कि हम लोग शहीद वाले देश हैं। स्लोली इट वॉज टेकिंग अ शेप ऑफ वन यूनाइटेड स्टेट, धीरे धीरे से वो ऐसा रूप ले रही थी कि एक ही मात्र संगठित एक राज्य है। इट वॉज टेकिंग द शेप ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक संगठित देशों का एक राज्य है जैसा वो संगठित हो रही है। मीनवाइल ऐसे ही उसी दौरान द नेटो कंट्रीज, और जो नेटो देश कहते हैं, प्रो अमेरिकन कंट्रीज, और जो अमेरिका का प्रो अमेरिकन देश जिसे कहते हैं, दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ये और मजबूत हो रहे हैं। एंड द वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज, वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज, और ये जो वॉर्स ऑफ पैक्ट देश करके कहते हैं, प्रो कम्युनिस्ट कंट्रीज, और जो प्रो कम्युनिस्ट देश हैं, दे आर बिकमिंग वेरी वीक, वो और कमजोर होते जा रहे हैं। वेरी पुअर, और वो और गरीब होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और जर्मनी को दो भागों में बांटा गया। वन वॉज ईस्ट जर्मनी, एक तो पूर्वी जर्मनी है, दैट इज अ प्रो कम्युनिस्ट कंट्री, और ये एक प्रो कम्युनिस्ट देश है। एंड वेस्ट जर्मनी, और पश्चिमी जो जर्मनी है, नेटो कंट्री, और ये एक नेटो देश है, प्रो अमेरिका, और ये प्रो अमेरिका का देश, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
और ये बहुत मजबूत है। माइट दिस टू कंट्रीज वर डिवाइडेड बाय अ वॉल कॉल्ड बर्लिन वॉल। और इन दो देशों को एक दीवार के द्वारा से विभाजित किया गया जिसका नाम है बर्लिन दीवार। टू द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, और यहाँ भविष्यवाणी इन द ईयर होते हुए पाते हैं 1990 में बाय अ स्लिप ऑफ द वर्ड ऑफ द ईस्ट जर्मन चांसलर। यहाँ पे ईस्ट जर्मनी का जो चांसलर का मुंह से जो शब्द निकल गई थी और द प्रीमियर, उसके चलते द बर्लिन वॉल वॉज डिस्ट्रॉयड कोलैप्स्ड। वहां पे वो बर्लिन दीवार तोड़ दिया गया। द रिच ईस्ट वेस्ट जर्मनी, यहाँ पे पश्चिमी जो जर्मनी है, एंड द पुअर ईस्ट जर्मनी, यहाँ पे जो गरीब पूर्वी जर्मनी है, ऑन दैट डे उस दिन they में became one Germany. वो दोनों एक जर्मनी बन गई। So on that day, उस दिन में all the world magazine said, सारे विश्व भर के पत्रिकाएं even कहने the लगे, Hindu magazine said, और हिंदू पत्रिकाएं भी कहने लगे, iron and clay have come together. यहाँ पे लोहा और मिट्टी दोनों मिल गए। Iron and clay have come together. वो लोग कहने लगे कि लोहा और मिट्टी मिलने लगे। My dear sister, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, so slowly, इसलिए धीरे धीरे से, rich West Europe and the poorly East Europe, they became one Europe. और इसीलिए धनवान जो पश्चिमी यूरोप था और जो इस तरफ पूर्वी यूरोप जो गरीब था, दोनों मिलकर के अमंग 27 यूरोपियन कंट्रीज, 27 ऐसे यूरोप के देशों में से, दैट इज मेड वन यूरोपियन यूनियन, और वो लोग एक ऐसा संगठन बनाए हैं। 13 कंट्रीज आर वेरी स्ट्रांग, 13 ऐसा देश बहुत मजबूत हैं, 14 कंट्रीज आर वेरी वीक, और 14 उनमें से बहुत कमजोर देश हैं। आयरन एंड क्ले हैव कम टुगेदर, यहाँ देख पाते हैं लोहा और मिट्टी दोनों मिले हुए हैं। सेवेंथ किंगडम इज बॉर्न, सातवां साम्राज्य पैदा हो गया। सेवेंथ किंगडम इज बॉर्न, सातवां साम्राज्य पैदा हो चुका है। प्लीज लिसन, ध्यान से, प्लीज लिसन, ध्यान से आप सुनेंगे कृपया, प्लीज लिसन, आप कृपया ध्यान से सुनिए। January 1, 2010, और जनवरी 1 तारीख 2010 में, दैट इज बिकम वन यूनियन, एक ऐसा बड़ा संगठन हुआ। They got their own president, उनके पास अपना राष्ट्रपति है। They got their own army, उनके पास अपना एक सेना है। This European Union has got their own external affairs policy, और यूरोप का अलग प्रकार का पॉलिसियां हैं। They got one currency, one flag, उनके पास एक झंडा, एक ही प्रकार का रुपया है। And they got one parliament, और उनके पास एक ही प्रांत है। एंड इट इज वेरी सरप्राइज द यूनिफाइंग सिंबल ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे इन सारे देशों का संगठन का जो मुहर है या उनका जो चिन्ह है, उसको देखने से हमें चकित कराता है। इट इज द स्टैच्यू ऑफ यूरोपा, स्टैच्यू ऑफ यूरोपा, और यूरोपा का जो मूर्ति उसमें बना हुआ है, उस चिन्ह में यूरोपा ऑन द बुल, और यहाँ पे देखते हैं कि वो जो बुल है उसका वो तस्वीर है। द वुमेन ऑन द बीस्ट हैज बिकम द सिंबल, द यूनिफाइंग सिंबल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और इन सारे देशों का वही चिन्ह बन चुका है। इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, देखते हैं उनका पार्लियामेंट के सामने, एवरीवेयर, और जहां कहीं भी देखिएगा, you can now see that symbol. इस चिन्ह को आप देख पाएंगे। Even in their coin, in their euro coin, उनका जो यूरो का जो पैसा है, उसमें you भी see the symbol, the woman on the beast. उस सिक्का में भी हम देख सकते हैं कि कैसे वो बैठे हुए हैं उस बुल के ऊपर। In all their tokens, in all their souvenirs, in all their mementos, even in t-shirts, now they started using that symbol, women on the beast. और वहां उस चिन्ह को हम हर चीज में, उनका हर एक चीज, यहां तक टी शर्ट में भी उस चिन्ह को हम देख पाते हैं। इन द डेज ऑफ जॉन,
यूहन्ना के दिनों में 5 किंगडम्स हैड फॉलन, पांच ऐसे साम्राज्य गिर चुके हैं, 6th किंगडम वाज देयर, छठवां साम्राज्य था, 7th किंगडम इज नॉट एट बॉर्न, सातवां राज्य खड़ा होने लगा। दोज आर लिसनिंग टू दिस मैसेज, जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड, आप इस बात को ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कृपया। We are living in the 7th kingdom. हम लोग सातवां साम्राज्य में जी रहे हैं। In Revelation 17:10 it is said it is not yet come. हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 17 के 10 में देखे कि वो सातवां साम्राज्य आया नहीं था। But in these days, लेकिन आज और इन दिनों में, the 7th kingdom is already come. सातवां साम्राज्य आ चुका है। Out of the 7th, और इन सातवां में, the 8th one will come. आठवां साम्राज्य आ जाएगा। And he is called the beast. और आठवां साम्राज्य का स्थापक वो पशु होगा। आउट ऑफ दिस 7th किंगडम, उस सातवां साम्राज्य के द्वारा से, द बीस्ट विल कम, वो पशु आ जाएगा। द 7th किंगडम, वो सातवां साम्राज्य, रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, वो रोम का जो जागृति पाया हुआ साम्राज्य, दे विल गिव देयर पावर, देयर स्ट्रेंथ, देयर अथॉरिटी to the Antichrist. वही उस समय का ताकत, उस समय का अधिकार और सारा कुछ उसका होगा। Before the Antichrist would come to the main arena, और मसीह विरोधी उस मुख्य स्थल पर आने तक, there will be a world unified religion to usher him into the world scene. और विश्व भर में रहने वाले लोगों को एकत्रित करने के लिए एक विश्व भर का धर्म हो जाएगा। When now when we know for certain that the 7th empire is come, कैसे हम इस बात को जान सकते हैं कि सातवां साम्राज्य आ चुका है? So what is next? अगला क्या है इसका what मतलब? What is next? अगला क्या है इसका मतलब? We'll continue the first topic in the next segment. हम लोग अगला जो हिस्सा है उसको अगले भाग में देखेंगे। The first empire Egyptian, और पहला साम्राज्य मिस्र का, then Assyrian, दूसरा अशुर का साम्राज्य, Babylonian, उसके बाद बाबुल का, Medo Persian, उसके बाद मादियों का, फारसियों का, उसके बाद यूनान का। These five empires have fallen before the days of John. यूहन्ना से पहले ही ये पांच साम्राज्य गिर चुका है। The sixth empire is the Roman empire. छठवां साम्राज्य रोम का साम्राज्य है। In the days of John, the seventh empire was not then come. यूहन्ना के दिनों में सातवां साम्राज्य नहीं आया था। It is now come. ये अभी पहुंच गया है। It is now come. ये अभी आया है। What is next? अगला क्या है? In the next segment, God bless you. हम लोग अगला हिस्सा में उस बात को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।